बंदी रहता तो मिल भी करता शराब, पी पी लेता है, पी पी करके लोग जहरीला हो जाता है, मर जाता है। शराब मिलो तो सब जगह मिलत नहीं थे, मिलते बा सरकार को तो मिलते नहीं थे। अच्छा देखे तुम मर कुछ नहीं कुछ। अगर प्रशासन टाइट रहता हमारा बिहार का, चाहे हमारा बिहार का नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई हो, अगर टाइट रहता तो बिहार में शराब तो नहीं मिलती। किसी का घर उजड़ रहा है, किसी का बेटी बहन का मांग उजड़ रहा है, शराबे के चलते ना। अगर जिस टाइम चालू था शराब, उस टाइम किसी किसी को खतरा होता नहीं होता था। गाँव गाँव में गली गली में जहर बेचा जा रहा है, होम डिलीवरी से आता है, तो प्रशासन का बंद हो रहा है तो कहाँ से मिल रहा है बताइए ना सर, कहाँ से मिल रहा है शराब बंद हो रहा है तो बंद पूरी तरह बंद होना चाहिए, नहीं तो रिटायर करो सबको। प्रशासन सही होता तो कुछ भी नहीं मिलता, घूस ले लेता है, पैसा ले लेता है, छोड़ देता है। जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच तक को और हम है कोरिया माघर गांव में, सिवान जिला है और भगवान पुरहाट थाना है। ये जो घर है यहाँ पर अभी लाश जलकर आया है, एक पिता का और एक पुत्र है जो एकदम शांत बैठा हुआ है, सरकार से सवाल पूछ रहा है। सरकारी लोग तो नहीं आए थे पर विपक्ष आ गया था, बात कर रहा था 10 लाख मुआवजा देने की। जहरीली शराब कहाँ मिलती है इस पर हम सवाल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे ऊपर भी FIR दर्ज कर दिया जाएगा। बिहार में 2016 में नियम कानून बना है, कायदा ऐसा है कि शराब पीना जितना बड़ा गुनाह है उतना ही बड़ा गुनाह शराब के बारे में चर्चा करना है। पर गरीब आदमी है बेचारा, करेगा क्या, मजदूरी करता है, पी लेता है, मर जाता है। बेटा है, पूछते हैं आपके पिताजी पहले से शराब पीते थे? जी पीते थे। हाँ। आप लोगों ने कभी मना नहीं किया था? मना किए थे जी। कब से पी रहे थे? वो शुरू से ही पीते हैं। लेकिन 2016 के बाद तो बिहार में शराब बंदी है, तमाम DM साहब से बात हुई, SP से बात हुई, कह रहे हैं कि शराब बिकता नहीं है, तो मिलता कहाँ से? शराब बिकता है। बिकता है। हाँ। तो शराब मिलता था? हाँ। कब आपके पिताजी? अभी भी मिलता है। पिताजी ने आपके कब पिया था शराब? हम तो यहाँ पर नहीं थे लेकिन परसों पिए थे। परसों पिए थे। तबीयत कब खराब हुई? कल। कल खराब हुई। हाँ। क्या नाम था पिताजी का? प्रदीप कुमार मांझी। नाम सुन लीजिएगा, जातीय जनगणना में कोड था प्रदीप कुमार मांझी, इस हिसाब से चिराग पासवान को यहाँ आना चाहिए। ये सवाल हम नहीं कर रहे, विपक्ष उठाएगा। मांझी हो, सिंह हो, शर्मा हो, राम हो या कोई भी जाति का हो, गरीब की कोई जाति नहीं होती है। अब सीधे आइए, क्या चाहते हैं सरकार से? हम यही चाहते हैं कि हम लोग अब क्या होगा, अब हम लोग वोट देते हैं ना, वोट देते हैं हम नहीं देते हैं। आप वोट नहीं देते? मम्मी देती है। मम्मी देती है जी। हाँ, क्या चाहते हैं सरकार से? हम यही चाहते हैं कि ये दारू जो चल रहा है उसको बंद कर दे या नहीं तो पूरा खोल ही दे। दारू को बंद कर दे या पूरा खोल दे। देखिए बहुत गांव के लोग भी यहाँ जुटे हैं पर डर से कोई बोलेगा नहीं, पुलिस आएगी तो उन्हीं को परेशान करेगी, पूछेगी कि शराब कहाँ मिलता है। घर की महिलाएं हैं, घर का एक सदस्य जा चुका है, नाम पर इसलिए बार बार कह रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ है और आपकी गणना जाति के आधार पर होती है। प्रदीप मांझी जो है बड़े वोट बैंक के अधिकारी है, इनसे बात करते हैं। बोलिए, आप बेटी है? हाँ। अच्छा ये बताइए, बेटी है, पढ़ी लिखी है, अब तो जो होना है सो हो गया है, क्या चाहती है सरकार से, क्या कहना चाहती है नीतीश जी से, आप क्या कहना चाहती है? बोलिए, शराब पर बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए, पूरा देश देखेगा आपको, बोलिए। ना ना बोलेगी, बोलो। शराब के चलते हमारे पापा की जान चली, कभी भर्ती बानी कहा था लोग। पापा में रही ना, लेकिन अभी शराब जान बानू तो बंद हो जाए के चाहिए। तो हमारे पापा खानी न कितना लोग दे। हमारे पापा रहब हमारे पापा भर्ती वाला ना यार। देख लीजिए, इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं। गरीब आदमी अगर मरता है तो गिनती हो जाता है, लेकिन कोई अमीर मरता तो अभी पूरा महकमा उसके दरवाजे पर होता, आकर अखबारों में और टेलीविजन चैनलों पर चेहरा दिखाने के लिए नहीं आता। लोग आ रहे हैं, मातम पुरसी कर रहे हैं, पर इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। मरने वाला प्रदीप मांझी हो या संजय सिंह या कोई और जाति का आदमी हो, लेकिन एक बेटी है, कह रही है कि शराब बंद होना चाहिए, लेकिन बिहार में तो 2016 से ही शराब बंद है। कई सारे गांव के लोग हैं, इनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है, शराब बंदी का सही में शराब बंदी बटेगा? ना कहा बंदी, बंदी रहता तो मिलबे करता, बंदी रहता तो मिलबे करता शराब, पी लेता है, पी पी करके लोग जहरीला हो जाता है, मर जाता है।
यही न कहना है, और दूसर क्या कहे। शराब मिलो तो सब जगह मिलत नहीं थे, मिलते बा सरकार को तो मिलते नहीं थे। अच्छा देखे तुम मर कुछ आवा कुछ जी बोले ऐसा लाभ था नहीं जो कहे लोग मर तटे कहाँ सारा मिले तटे तो हाँ तो हम उहे तो हम कहते शराब मिलता मिलता तब तो लोग मर जाता। देखिए गांव के आदमी है, डरिए नहीं, कुछ नहीं होगा, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ये बताइए कि शराब मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि शराब मिल रहा है, किसके संरक्षण में बिकता है शराब, एकदम ईमानदारी से बोलिएगा। सर अगर प्रशासन टाइट रहता हमारा बिहार का, चाहे हमारा बिहार का नेता हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो, अगर टाइट रहता तो बिहार में शराब तो नहीं मिलती, और शराब के कारण सब जनलेवा हो रहा है। ये बड़ा किसी का घर उजड़ रहा है, किसी का बेटी बहन का मांग उजड़ रहा है शराबे के चलते में। अगर जिस टाइम चालू था शराब उस टाइम किसी किसी को खतरा होता नहीं होता था। ये बड़ा तो जहरी जहर बेचा रहा है सर, गांव गांव में गली गली में जहर बेचा जा रहा है, होम डिलीवरी से आता है, तो प्रशासन का सुन लीजिए। हम नहीं कह रहे, बिहार की जनता कह रही है जो 2025 में आपके काम काज पर आपको वोट देगी। ये गांव जो है ये सिवान जिले का आखिरी गांव है, इसके आगे छपरा जिला शुरू हो जाता है, उधर भी लोग मरे हैं, मतलब भगवान की तरह दिखता नहीं है लेकिन बिक जाता है। नहीं सर सर वही बात है, गरीब जहरीला पीता है, अमीर महंगा पीता जी है। जी सर, हाँ सर, हाँ ये तो बात है। ये आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, 2016 से शराबबंदी बंद होना चाहिए, कैसे बंद होगा? सरकार कह रहा है कि बंद हो रहा है, बंद हो रहा है तो कहाँ से मिल रहा है बताइए ना सर, कहाँ से मिल रहा है शराब बंद हो रहा है तो मिल कहाँ रहा है, मिल ही रहा है ना, बंद पूरी तरह बंद होना चाहिए, नहीं तो रिटायर करो सबको। प्रशासन मेन कारण है प्रशासन, प्रशासन सही होता तो कुछ भी नहीं मिलता, घूस ले लेता है, पैसा ले लेता है, छोड़ देता है, यही बात। भगवानपुर हाट थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है, मसरक में 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, आप लोग खुश नहीं? दूसरा आएगा फिर वही करेगा, दूसरा आएगा और फिर वही करेगा, तो क्या फायदा, क्या फायदा, बंद करना चाहिए, बंद तो बंद। देखिए युवा हैं काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि अपने भाई को अपने चाचा को इन्होंने खोया है, आपको क्या लग रहा है कहां बड़ा चूक हो गया सरकार? तो नीतीश जी ने अच्छा काम किया 2016 में बंद कर दिया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये सब बात है वहां की, जो है पुलिस जो है गांव से बिकी है, चाहे पब्लिक है वो पैसा देती है, ला कर देता है, जब बॉर्डर पे, जब झारखंड बॉर्डर पे पूर्णिया वाले वही वहां से जब तक लेन बिहार में नहीं आएगा तो कहां से बिहार में बिकेगा, ये बताइए कहां से बिकेगा, वही सब बात है। किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, केवल लाइन हाजिर करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, किस पर कार्रवाई हो? किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, तो कार्रवाई किस पर हो? पुलिस वाले पे होना चाहिए, वही नु सबसे कारण है, वही बात है, क्योंकि वो छूट दे रहा है बेचने के लिए, वही बात है, सब वही बात। देखिए गांव के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, चूंकि इन्हें कोई बरगला नहीं सकता, जो मन की बातें हैं वो कहते हैं। देखिए गांव का आदमी है वो ज्यादा दूर नहीं जाता, जो सुनता है वही कहता है शराब मिलेगा पूरा इलाका में, एकदम ईमानदारी। हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग पीते नहीं है, तो हम तो क्या जानते, मैंने सुन ले सब प्रशासन बताएगी, प्रशासन ही बताएगी, हां वही सब धंधा किया है, वही सब तो धंधा किया है सब, प्रशासन ने किया है। देखिए गांव के लोग हैं सब जानते हैं, लेकिन अब पुलिस ने इतना डरा दिया बोलते नहीं है। शराब के मामले में सरकार कह रही है कि 2016 से बंद है, लोग मर गए, अब उनके दरवाजे पर हम खड़े हैं, देखिए बेटा बेचारा बेटी अलग बेहोश हो रही है, आपको क्या लगता है कहां से शराब आ जाता है? प्रशासन कार्रवाई किस पर हो? किसी का तो भाई मर गया, बाप मर गया, प्रशासन के नाम पर एक बनी हुई परिपाटी है, 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, तो क्या इनके पिता लौट आएंगे? क्या आपको क्या लगता है होना क्या चाहिए? जनता बोलेगी वही होगा, शराब तो बंद है मगर शराब तो आ ही रहे हैं, तो ये आगे से जब नहीं आएगा तो यहाँ बीचेगा बिकेगा नहीं, यही बात है, आगे से नहीं आए बस, आगे से जब बंद हो जाएगा तो यहाँ नहीं आएगा, यही बात। देखिए एक महिला है, घर का जो पूरा वातावरण होता है, क्या कहे के चाहता नहीं? हनी के चाहता नहीं सर, जब दारू बंद हो जाए, दारू तो बंद बा नीतीश जी 2016 में, नौजवान कैसे मरता, कैसे डेट होता नौजवान, बंद बा तो कैसे मरता, एक जवाब जाने के चाहिन जे कोई बंद हो गए तो कैसे मरत, नहीं बंद भाई, नहीं बंद भाई, पावली बा पुलिस का डरे केहू कह नहीं पगते फला जगह बिगाता है जी बिगाता हो जी बिगाता केहू नहीं भैया कैसे डर का मारे,
हमरो के सनासी फनासी गरीब आंधी हमरो बाल बच्चा भूखे मर वही का चलता नहीं सब भइल बा। देख लीजिए नीतीश जी, बेटियों को साइकिल दे दिया, किताब दे दिया, छात्रवृत्ति दे दी, तो लगातार 9 बार आपने शपथ ग्रहण किया था। अब 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, मरने वाले की जाति इसलिए बता रहे हैं कि पिछले साल अक्टूबर में आपने बिहार को जात जात में गिन दिया और बता दिया कि किसका कितना परसेंटेज है और उसी आधार पर बिहार में अब विकास की गाथा लिखी जाएगी। गरीब आदमी है इसीलिए चोरी छुपे जहरीला स्प्रिट वाला शराब पी लेता है। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन बिकवाता है, कितनी बड़ी कार्रवाई होगी इस पर भी रहेगी हमारी नजर। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे उस सच को कि कहां से आ गया जहरीली शराब जिसने भगवानपुर हाट और मसरक थाना क्षेत्र में मौत के मातम को इतना जोर से फैला दिया।